غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। वेसिलियस का मकसद हानली बाजार का हुसूल हरगिज नहीं, बल्कि उसका असल मकसद तुर्कों के खून से नहलाना है इस सरजमीन को। बस हमारा कबीला तो क्या, किसी एक तुर्क का खैमा भी गवारा नहीं है इस सरजमीन पर। उसे हमारे जंगजू फतह के लिए बेकरार हैं। बस मैं खड़ा होकर अपनी तलवार उठा सकूं, फिर बहुत सी फतोहात हमारी मुंतजर है। शादी के लिए तैयार हूं मैं। जमींदार वेसिलियस से शादी कर रही हूं मैं। जल्द हमारी शादी हो जाएगी। कल सूरज डूबने से पहले हानली बाजार आकर कब्जा कर लो। जानते हो मेरे कितने सिपाहियों को मारा है उस तुर्क ने? इन तुर्कों के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाओगे थियो? दोनों कबाइल की ख्वातीन अभी भी अलग थलग रह रही हैं एक दूसरे से। आए मखानम, ये ममता की जुबान में प्यार भरे चंद अल्फाज सुनने की मुंतजर है वालिदा। चावदार कबीले की और काय कबीले की बहादुर ख्वातीन, यहां आइए और मेरी बात सुनिए। हम यहां ना सिर्फ एक सरजमीन पे आबाद हैं, बल्कि हमारी तकदीर भी एक है। हम सब बहनों की तरह हैं, बल्कि सगी बहनों से भी बढ़कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा फर्ज है कि दोनों कबाइल के सरदारान की तरह हम भी एक दूसरे को गले लगाएं। हमारी दुआ है कि दोनों कबाइल को फतह नसीब हो। आमीन। असलहान खातून को जिन जालिमों ने अगवा किया है, अल्लाह उन्हें नीस तो नाबूद करे। आमीन। बाहमी इख्तलाफात खत्म कर दें, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। चलिए सब एक दूसरे को गले लगाइए, जल्दी कीजिए।
अल्लाह खुश रखे तुम्हें। खुश रहो मेरी बहन। शुक्रिया बहन। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बहन। क्या आपको लगता है गले मिलने से हमारा दर्द खत्म हो जाएगा? चावदार कबीले पर जान वारने वाले, दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने वाले जानदार साहब यहीं फौत हुए, जबकि मैंने अपनी औलाद को खो दिया। ये सब कैसे भूल सकती हूँ मैं? चावदार खवातीन, क्या आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है? जो आपके साथ हुआ उसका जिम्मेदार हमें ठहराते हुए आपको शर्म आनी चाहिए चोलपान खातून। असलेहान खातून अगर यहाँ नहीं है और आलियार साहब आज अगर जख्मी हैं, तो इसकी वाहिद वजह उराल साहब और उनके गद्दार जंगजू हैं। उसके बावजूद भी ये सब कहने की जुर्रत कैसे हुई? असलेहान का और उराल साहब का नाम अपनी जुबान पर लाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी हद में रहोगी तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। बहुत हो चुका बस। अपने ना होने वाले बच्चे पे यहाँ फितना फैला रही हो तुम। जो जिंदा है पहले उनका ख्याल करो। मरने वाले तो अल्लाह के मेहमान हैं। आलियार साहब जब जख्मी थे उस वक्त कहाँ थी तुम? हाँ, उराल साहब वक्ती सरदारी के लिए इतने बेकरार हो चुके हैं कि सगे बहन भाई किस हाल में है वो भी भूल गए हैं। आगे मत पढ़िएगा चौलपान खातून। बहुत हो गया अब। बस देखो खातून, हम यहाँ कबाइल को मुत्तहिद कर रहे हैं और जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी भी फितना फैला रही हो तुम। मेरी बात सुनो खातून, अगर तो यहाँ आपको काम करना है तो खामोशी से कालीन की बुनाई मुकम्मल कीजिए, वरना दफा हो जाइए आप। डूब मरने का मुकाम है चावदार खवातीन के लिए। सरदार की जौजा की बेइज्जती की जा रही है और आप खड़ी तमाशा देख रही हैं। खामोश। चावदार कबीले के सरदार आलियार साहब हैं और चावदार कबीले की खवातीन इतनी इज्जतदार हैं कि तुम जैसी नफरत फैलाने वाली खातून का साथ कभी नहीं देंगी। तो अब तुम बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जुबान गुद्दे से खींच लूंगी। अल्लाह के लिए तमाम खवातीन इस औरत से ताल्लुक ना रखें। काम कीजिए, शाबाश अपना काम कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या अंदर आ सकता हूं? आइए आजार साहब, आइए। बताइए क्या खबर लेकर आए हैं? खबर अच्छी नहीं है औराल साहब। क्या हुआ है? आलियार साहब होश में आ चुके हैं, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। होने दें, अगर वो ठीक हो भी जाए तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। और सरदार, सिपाहियों को कन्नौर की लाश मिल चुकी है और कुतलोचा को बता दिया है सिपाहियों ने। मैं वहीं छुपकर सब देख रहा था, वो लाश के पास मौजूद था। ये क्या बेवकूफी की है तुमने अहमक इंसान? तुमने उस लाश को कभी लेके इतने करीब क्यों छोड़ा था? जनाब, कुतलोचा ने रात से ही
हम पर नजर रखी हुई थी। यही वजह है कि उसके सिपाही लाश तक इतनी जल्दी पहुंच गए और खुद पूजा को भी नहीं संभाल सके। एक बात तो बताओ जवान, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? इश्क की वजह से मुझे गिरफ्तार करके जिंदान में फेंक दिया गया, लेकिन अब आजाद हूं मैं, अपने कबीले वापस जा रहा हूं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक सोचा, सब अच्छा होगा जवान। लेकिन तुम्हारी तलवारें कहां हैं? तलवारें ले ली उन्होंने, मुझे वापस नहीं की। ठीक है, अब इजाजत दीजिए, अल्लाह राजी हो आपसे, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना जवान, ख्याल रखना। भाई कुछ लोग आ रहे हैं। आपका अंदाजा ठीक था भाई, वो असलहान खातून की तरफ जा रहे हैं। जब तक इनकी मंजिल ना मालूम हो हरकत नहीं करनी कोई, अगर ऐसा कर लिया तो असल मुजरिम तक नहीं पहुंच सकेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जी ठीक है भाई।
हाथ नहीं लगाना मुझे। मैंने कहा हाथ नहीं लगाना मुझे। बहुत पछताओगे तुम। हटो, वो बदमान कहाँ चला गया है? हटो वरना जान से मार दूँगी। खामोश हो जाओ। हाथ हटाओ अपने। पीछे हटो। जाने दो मुझे। ज्यादा सवालात मत करो। बस, अब मत छूना मुझे। खामोशी से चलो हमारे साथ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी लाश यहां से जाएगी, समझे? ऐ मेरे रब, यहां की हर खूबसूरती में मुझे हेलेना ही नजर आती है। सिर्फ उसका ही ख्याल आता है। हिम्मत दे मुझे, ताकत दे मुझे मेरे रब, ताकि मैं उसे अपने दिल से निकालने में कामयाब हो जाऊं। तुम यहां क्या कर रहे हो बेवकूफ आदमी? तुम्हारे अंदर के शैतान से बचाने आया हूं तुम्हें। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बदबख्तो, आ जाओ फिर। मरोगे तुम। इबलीस हो तुम, शैतान हो। इश्क ने तुम्हें नाकारा बना दिया है बंसी। एक औरत की वजह से मारे जाओगे तुम, जहन्नुम में भी तुम मेरे साथ होगे। Thank you.
ना ही घोड़ा है तुम्हारे पास और ना ही तलवारें हैं। तुम्हारा बाजू टूट चुका है, तुम्हारे दिल की तरह। अब मैं ही तुम्हारा वाहिद सहारा हूं बंसी। जहन्नुम में जाओ तुम, जहन्नुम में जाओ। तुम मुझसे नहीं बच सकते। जहन्नुम में जाओ इबलीस, मुझसे दूर नहीं भाग सकते। No!
आलियार भाई कैसे अर्तुरल साहब? ये लोग उन पर हमला करने वाले थे। जख्मी हो गए थे मगर अब ठीक है, मुंतजिर है आपके। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुरल साहब, मेरी और मेरे भाई की जान बचाई। जल्दी से आलियार भाई के पास ले चले मुझे। पहले हम सराय जाएंगे, अमीर सादत इन इंतजार में है। आ जाओ सब नीचे, आ जाओ मेरे जवानों। बेवकूफ ठीक कह रहा है, हेलेना ने मुझे आग में झोंक दिया है। इस आग में जल रहा हूं मैं हेलेना के लिए, और वो आदमी मेरे लिए अजाब बना हुआ है। जहन्नुम में जाएगा वो। मैं पहुंच गया तुर्क। बहुत अच्छा है। अब तुम रहोगे या फिर मैं? आ जाओ। सरदार असलिहान खातून को वापस ले आए। अर्तुरुल साहब असलिहान खातून को ले आए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, असलिहान खातून आ गए। अल्लाह आपसे राजी हो सरदार। अल्लाह आपसे राजी हो सरदार अर्तुरुल। शुक्र है असलिहान खातून, आप आ गए। खुश रखे, अल्लाह अच्छा लगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद सरदार। खुश आमदीद। शुक्रिया हलीमा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा। बहुत शुक्रिया। असलिहान खातून का ख्याल रखना, जिम्मेदारी है तुम्हारी। मुतमईन रहिए आप। बेफिक्र हो जाओ बेटा तुम। बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। खुश आमदीद मेरी बच्ची। खुश आमदीद असलिहान खातून। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल साहब और उनके सिपाहियों की शुक्रगुजार हूं मैं। अल्लाह आपसे भी राजी हो हाइमा खातून। हलीमा खातून, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो। असलिहान, शुक्र है कि वापस आ गई तुम। शुक्रिया भाभी। उराल भाई नहीं आए यहां, वो कबीले में है। तुम्हें देख के वो भी बहुत खुश होंगे। वो कबीले में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि मुझे तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। ये सोचा भी कैसे तुमने? सिपाही हर तरफ तलाश कर रहे हैं, तुम्हारा भाई भी परेशान है। बहुत परेशान होने वाले आलियार भाई हैं मुझे बचाने के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। क्या कह रही हो असलिहान? उराल भी तुम्हें बचाने के लिए गए थे। असल जाल तो वहां था ही नहीं भाभी, सब जान चुकी हूं मैं। अब आ गई हूं,
सब ठीक कर दूंगी मैं, सारे मंसूबे खाक में मिला दूंगी आपके। असलियान, मेरी बच्ची, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, खवातीन से कहकर खाना तैयार करवा देती हूँ मैं, जब तक आराम कर लो तुम, आ जाओ। शुक्रिया। बमसी की कोई खबर है दुआन? नहीं भाई। शुक्र है रब्बे जुलजलाल का, जिसने तुम्हें दोबारा देखना नसीब फरमाया। अर्तुरुल साहब, आपकी बहादुरी कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा मैं। अब जबकि आप असलेहान खातून को ले आए हैं, आपकी अहमियत मेरे दिल में कई गुना बढ़ गई है। शुक्र है कि असलेहान खातून वापस आ गई, लेकिन हमारी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई है अमीर सादतिन। हमें वसीलियस का सराय में इंतजार है, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए। असलेहान, बैठ जाओ। खड़ी क्यों हो तुम? थक गई होगी। प्यास लगी होगी, तुम्हें शरबत देता हूं। अर्तुरुल साहब सब बता चुके हैं। मुझे बचाने के लिए आपने जो कुछ भी किया, उसकी शुक्रगुजार रहूंगी मैं। तुम मेरी सौजा बनने वाली हो असलेहान, फिर मैं अपनी ये जिंदगी तुम्हारी नाम कर दूंगा। यहां के मामलात से फरागत के बाद आलियार भाई से मिलने के लिए काई कबीले जाना चाहूंगी मैं। इसका मतलब है अपने भाई आलियार के हवाले से तुम्हारे ख्यालात बदल चुके हैं। क्योंकि वो मेरा खून है अमीर सादतीन। आलियार भाई है मेरा, कबीले का सरदार है। इंशाल्लाह अपने कबीले को अर्तुरुल साहब की मदद से हम अमन सुकून का गहवारा बनाएंगे। आज के बाद दोनों कबाइल का इत्तेहाद सबके लिए मिसाल होगा। तुम्हारा चेहरा मुझे जीने की उमंग देता है। रब से दुआ है कि इसे ताहयात देखता रहूं मैं।
सुनो असलेहान खातून, मुझे कोनिया जाना है सुल्तान से मुलाकात करने। कोनिया चलो मेरे साथ। जब तुम्हारा गम हल्का हो जाए और जब तुम चाहोगी, हम महल में निकाह की तकरीब कर लेंगे। अलियार साहब की सेहत काफी बेहतर है और जब अपनी बहन की बाजियाबी की खबर सुनेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे। वो बहुत जल्द अपने कबीले में जिरगे की सदारत करेंगे इंशाल्लाह। यही खुशखबरी सुनाने के लिए सराय आया था मैं। आपने अच्छा किया आर्तुक भाई, मुझे भी अमीर सादतिन के हवाले से बात करनी थी आपसे। भाई, अमीर सादतिन का बदला हुआ रवैया हम दोनों के लिए ही परेशान कुन है। वो अच्छी तरह जान चुका है कि इस सरजमीन पर आपके बगैर हुक्मरानी करना मुमकिन नहीं, और इसलिए उसे उराल के साथ अपना गठजोड़ खत्म करना होगा, क्योंकि उराल भरोसे के काबिल नहीं। उराल के साथ उसका गठजोड़ इस सरजमीन के लिए नहीं बल्कि अपने ओहदे के लिए भी खतरनाक है आर्तुक भाई। वो ये भी जानता है कि गलती की सूरत में सुल्तान उससे कीमत वसूल करेंगे। वसीली उसके साथ अमन कायम रखना नामुमकिन है। उसके पास रास्ता नहीं है अब कोई, जंग नागुजीर हो चुकी है। जिस तरह अमन के मौके पर वो हमारे साथ है, इसी तरह जंग में भी उसे हमारा साथ देना होगा। इंसाफ कायम करके आपने नाइंसाफी को खत्म किया है भाई, आगे क्या सोचा है? हिकमत अमली क्या होगी? आज जो कुछ है कल तक बदल भी सकता है आर्तुक भाई। कुपैक न सिर्फ इस सरजमीन के लिए बल्कि सल्तनत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हमें अपना अगला कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा, खासकर उराल के जिंदा रहते हुए। वैसे लियोस बाजार आ चुका है भाई, उसका इस्तकबाल एक जमींदार की तरह ही होना चाहिए। असलेहान खातून बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली होगी। अर्तुरुल से हानली बाजार छिन जाने की वजह से वो किसी भी हद तक जा सकता है। हालात बिगड़ने की सूरत में कुछ भी हो सकता है, जंग भी हो सकती है, इसलिए तुम मुहतात रहना। जैसा आपका हुक्म। सरदार अर्तुरुल और अमीर सादतिन आपके इंतजार में हैं जमींदार साहब।
सुना था तुम अमीर सादतिन से कोई मुआहिदा तय करना चाहते थे, जमींदार वेसिलियस। मैं इसीलिए अपने बाजार के तराजू में तोलना चाहता था तुम्हें। अब देखते हैं यहां क्या कीमत लगती है तुम्हारी। बंसी को लाओ वापस, और जरा भी होशियारी दिखाने पर सर उतार देना इसका। अर्तुरुल साहब और अमीर सादतीन ने मिलकर वैसेलियस के सिपाहियों को मार डाला। अगर तदबीर न की होती तो अब तक मर चुके होते। हमारा अजीम मकसद भी तुम्हारे साथ मिट्टी में मिल जाता। जिरगे के बाद बात करूंगा तुमसे मैं। भाई का कहना है कि ज्यादातर फितनों के पीछे वैसेलियस का हाथ है। आपके बाबा का कातिल भी वही है।